जी दोस्तों, देखें एनवायरनमेंट, ये गोल्ड मार्केट है थाईलैंड में, गोल्ड की मार्केट है। आगे आसपास में सारी ये गोल्ड मार्केट का एरिया है। ये क्रीम निकलो जवानों, वर्ल्ड का ट्रेवल करो, घूमो फिरो, यही टाइम है, उसके बाद बुढ़ापा है। कोई मंदिर वगैरह है, ये बाय रोड निकलने से आपको ये एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है, आप हर तमाम जगहें जो है वो आप खुद देख लेते हैं, तो जबरदस्त रहता है, आपकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये भी देखें आप, ये भी कोई बुत वगैरह बने हुए इधर, मेरे ख्याल से इनका कोई गिरजाघर वगैरह है। बहुत ज़बरदस्त, हेलो हेलो, बहुत बेहतरीन। अरे यहाँ बेहतरीन एक बंदा काम कर रहा है, जो ना पासपोर्ट के कवर बनाता है ना, बेहतरीन। मैंने इससे यार पासपोर्ट का कवर लिया, हटो दानिश ज़रा, बहुत तरीके से काम करता है ये। ये देखिए आप, ये मेरा बन रहा है पासपोर्ट कवर, बहुत आला है। जैसे तैयार होगा मैं आपको बाकी वीडियो दिखाता हूँ। नाजरीन, ये वापसी हमने हटाई से TBS कुआलालंपुर के लिए बस जो है ना बुक की है। यकीन माने मुझे, इसकी सीटिंग, इसकी सफाई, ये साथ में ब्लैंकेट देते हैं, तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है। और ये इनकी सीटों की फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी शानदार है माशाल्लाह से, कि इसमें बैठ के बंदा लेट के सो सकते हैं अपने इतने सफ़र को। बेहतरीन अलीसन बस है ये, बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। इनका जो ऑफिस है वो ये, बहुत जबरदस्त। यार ये जो अंडे है ना, यकीन करो ये कोई आम अंडे नहीं है, ये हमें याद रहेंगे हम ट्रैवलर्स को। क्यों दानिश मजीद साहब, यार ये अंडे हमें याद रहेंगे। अभी मैं थाईलैंड बॉर्डर को क्रॉस किया है, मलेशिया में एंट्री हुई है, और यही बस अलीसन बहुत ही ज़बरदस्त बस है ये। थाईलैंड से हमें 85 रिंगिट का इसका टिकट मिला, और बेहतरीन सर्विस है, बहुत ही मज़ेदार सफ़र जारी है। तो आप दोस्तों को जो जो ट्रैवल थाईलैंड मलेशिया बाय रोड करना चाहता है, तो मैं इस बस का आपको कहता हूँ कि इस बस में टिकट लें, अलीसन में बहुत बेहतरीन सर्विस है। थैंक यू। अभी हम लोग उतरे हैं मलेशिया TBS बस स्टेशन पर। हाँ जी, ट्रेन की कंडीशन देखें आप, या ट्रेन से हम लोग सेंट्रल जाने के चक्कर ये देखें आप, खुश हैं दोस्त मेरे। देखें कैसी बेहतरीन ट्रेन है, फुल्ली एयर कंडीशन और सस्ती, बहुत आराम, बेहतरीन सर्विस है। ट्रेन ने हमें बरजाया टाइम स्क्वायर पे उतार दिया है, और इधर उतरते साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल आ गया है इधर, बेहतरीन, हर चीज़ अवेलेबल है खाने पीने के लिए, आपको शॉप्स भी हैं, बेहतरीन एनवायरनमेंट, चीज़ें भी 5 रिंगिट छोटी मोटी चीज़ें 5 रिंगिट हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ी सी हमले के हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करें तो महंगी जी। भूख लगी थी तो नाश्ता के लिए आ गए, और माशाल्लाह से यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी फूड, फिश वगैरह, एग्स, बेहतरीन रेट में आपको खाने मिलते हैं, ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त बढ़िया होते हैं, और रेट भी मुनासिब है। नाश्ता करने के बाद ज़बरदस्त घड़ियाँ तो हैं,
मगर ये काफ़ी एक्सपेंसिव घड़ी है, इसके रेट देखना बेहतरीन ज़बरदस्त। अब हम लोगों ने ये टाइम स्क्वायर के पास एक स्काई होटल है उधर एक रूम लिया, ये आते साथ ही ये अटैच बाथ है इसके, और ये हम लोगों के लिए चार एडल्ट्स के लिए एक रूम है। बाहर बेहतरीन लोकेशन, व्यूज भी अच्छा है, यहाँ से व्यू देखें आप, अच्छा मिल गया हमें, अच्छे रेट पे मिल गया जी। तो दोस्तों अभी हम लोग मलेशिया पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम एक्सपेंसेस मिला के बाय रोड जाना आना में जितना एक्सपेंस आया है वो समझे, जो हमने कैलकुलेशन की है राउंड अबाउट तकरीबन अगर हम पीकेआर में काउंट करें तो तकरीबन 70,000 रुपये हमारा पीकेआर का ख़र्चा हुआ है होटल मोटल ले के कम्प्लीट। तो बहुत अच्छा रहा, जिसको भी बता रहे हो बोले आप लोगों ने तो भाई कमाल ही कर दिया, समझ रहे हैं कि हम लोग का ये टूर 11 दिन का हो जाएगा और 11 दिन में 70,000 रुपये, बहुत ज़बरदस्त टूर रही है। तो आप लोगों को जो जो भी गाइड चाहिए, जो भी सवाल हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे आके कमेंट्स में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, और बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मुझे प्रमोट करें ताकि मैं और इसके अंदर इस फील्ड में आगे आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।